प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश विधान मंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में मंगलवार को शब्दों के वार जोरदार ढंग से चले। नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने योगी पर हमला बोला तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उनको माकूल जवाब भी मिला। देखिए हमारी ये रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस भी हुई। विरोधी दल के नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सदन में नेता प्रतिपक्ष जैसा बोल रहे थे उससे तो ऐसा लग रहा है कि उपदेश कुशल बहुतेरे, सपा को नेशनल हेल्थ सर्वे के आंकड़े देखने की जरूरत है। प्रदेश में बीते 5 सालों में शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार बेहतर सुधार हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाजपा पर हमलों के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी और सच नदी के दो छोर हैं और सभी जानते हैं कि ये कभी एक नहीं हो सकते। सपा को ये मान लेना चाहिए कि प्रदेश सरकार अच्छे कार्य कर रही है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इनको मौका मिला तो कुछ न कर सके, लेकिन आज जब प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, गाँव में साप्ताहिक आरोग्य मेले लग रहे हैं, इंसेफलाइटिस खत्म हो रहा है, तो नेता प्रतिपक्ष को खुश होना चाहिए। सहयोग भले न कर सके, लेकिन कम से कम गलत और भ्रामक बयान देकर प्रदेश की बेहतरी में अड़ंगा तो न लगाएं। सरकार के लिए 25 करोड़ प्रदेशवासी परिवार का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।